मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता सती जी को यही कहा, सती को समझाया। जब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया यज्ञ के कुंड के अंदर, यज्ञ की अग्नि के अंदर, शिव जी को थोड़ा सा बुरा लगा। कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो, और उसमें तुम बीच में अग्नि में कूद जाओ, ये अच्छी बात थोड़ी ना। अब अपने अमरावती में इतना बड़ा धर्म का आयोजन हो रहा है, शायद अमरावती के इतिहास का पहला शिव कुंभ है जो अमरावती में लगा। लोगों को यहाँ से निकलने में कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं केवल यहाँ से निकलने में। इतने भक्तों का सैलाब, जो टीवी पर सुन रहे होंगे, आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, वो इस भक्तों के सैलाब को, शिव भक्तों के इन सैलाब को देख रहे होंगे। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जैसे अपने नगर में हो रहा है, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा था, बड़ा आयोजन हो रहा था, और इतने बड़े आयोजन में सती मैया उस अग्नि में कूद कर मर जाएं, प्राण छोड़ दें, तो अच्छा लगेगा क्या भगवान शिव को? आप अगर धर्म की जय बोलते हो, अधर्म का नाश हो प्राणियों में, सद्भावना और विश्व का कल्याण। आप अगर धर्म की जय बोल रहे हो तो इतना अंदाजा आपकी उस बुद्धि में होना चाहिए कि धर्म की जय कब होती है, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे अंदर आ सकता है। तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे भीतर आ सकता है। अब इतना बड़ा यज्ञ राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हो रहा है और उस यज्ञ में माता सती अपने प्राणों को त्याग दे, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। इतना बड़ा यज्ञ अमरावती की माँ अम्बा की इस पवित्र भूमि पर हो रहा हो, इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और उस कथा में अगर कोई कमेंट्स करे, कोई अपशब्द बोल दे, कोई ताना दे दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, उसमें उसकी श्रेष्ठता नहीं बनती, उसमें उसका एक आनंद नहीं बनता। अगर धर्म का कार्य हो रहा है, बन सके उस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे अभी माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी कह रहे थे कि कल इस व्यासपीठ ने कहा कि नवयुवक बेटा बेटी अपनी अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, टू व्हीलर लेकर जो वृद्ध लोग हैं उनको कथा स्थल तक छोड़ो। और आज वास्तव में हमको भी प्रसन्नता है कि हम आ रहे थे तो बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को लोग यहाँ तक छोड़ रहे थे। हम धन्यवाद देंगे विधायक श्री रवि जी राणा जी को, जिन्होंने कम से कम देखा तो कि ये चीज़ यहाँ चालू हो गई, और हमें विश्वास है ये विदर्भ की भूमि है, ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है विदर्भ की, जहाँ राम जी की, दादाजी की ससुराल है, जहाँ भगवान कृष्ण की ससुराल है, जहाँ भगवान राम के सूर्यवंश में राजा सगर की ससुराल है। ये विदर्भ की भूमि से ही भगवान कृष्ण अपने लिए कन्या लेकर गए, इस विदर्भ की भूमि से राम जी के दादाजी अपने लिए कन्या लेकर गए, इस विदर्भ की भूमि से सूर्यवंश के राजा सगर अपने लिए कन्या लेकर गए। आखिर इस विदर्भ की भूमि में ऐसा क्या है? क्या दुनिया में और जगह कन्याएं नहीं है? पर विदर्भ के भूमि की जो कन्या है
ये कन्या शिव के प्रति, भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होती है, पूर्ण समर्पित। इनके भीतर जो भाव है भगवान के चरणारविंद के प्रति, अभी हम आ रहे थे तब एक हमारा जो ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, हम उनको तो कहेंगे कि वो शिव हैं जो हमको यहाँ तक लेकर आते हैं, तो वो गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे और एक लड़की दो तीन बुजुर्ग महिलाओं को अपनी गाड़ी पर बिठा रही थी, जिनके हाथ कांप रहे थे उनको अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक लड़की लेकर जा रही थी। उसके पास में एक महिला खड़ी थी, उस महिला ने उस लड़की की पीठ को थपथपाया, कहा बेटी ये मेरी सास है, जिद पकड़ कर बैठी थी कि अपने नगर में कथा हो रही है, एक बार मुझे बस दर्शन करा ला। हमने कहा सियोर वाले महाराज का दर्शन नहीं होगा, तो मेरी सास कह रही थी तू चल तो सरी, नहीं होगा तो उस भूमि को हम प्रणाम कर लेंगे, कंकर शंकर को नमन कर लेंगे और हमें लेकर तू चल। बेटी को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि हमारा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और उसने पीछे पलट कर देखा, और बुजुर्ग महिला ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी को और थपथपा कर कहा मेरे दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। अब इतना विश्वास इस विदर्भ की भूमि पर है, लोगों का भाव बड़ा शुद्ध है। और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं इस विदर्भ की भूमि को, हम पहले एक बार 22 साल पहले अमरावती आए थे, मणि बहन मणिरत्न खाद वाले जो सोनी जी हैं उनके यहाँ की माता जी, उनके कथा काशी रामेश्वर करी थी, उस समय पर एक बार यहाँ आना हुआ था एक दो दिन के लिए, यहाँ 22 वर्ष पहले। उनकी दो बहनें थी नारायणी बाई और कमला बाई, वो दोनों भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। अब मणि बाई तो नहीं है, कमला बाई भी नहीं है, पर नारायणी बाई आज भी है और उनकी भक्ति आज भी शिव के प्रति नारायण के प्रति रमी रहती। विदर्भ ने क्या दिया, विदर्भ क्या प्रदान करता है, तो कहा विदर्भ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो विदर्भ देता है, जैसे खुले में हनुमान चालीसा विदर्भ ने दी है। खुले में हनुमान चालीसा करना भी विदर्भ ने दिया, बोलो सही है कि गलत है। ये भी विदर्भ की बेटी ने दिया, ये भी विदर्भ की रोहिणी, एक सुख एक आनंद। शिव के प्रति जो जागरूकता आपके भीतर है वो रहना चाहिए। सती तू और कहीं प्राणों को त्याग देती तो मेरे को खुशी होती, पर तू यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागी इसलिए मेरा मन खुश नहीं। अपने नगर में जब कोई कार्य हो, अपने नगर में कोई धार्मिक आयोजन हो, अपने नगर में जब कोई भगवत भजन का कार्य हो, शिव पुराण रामायण गीता भागवत, अपने नगर में जब कहीं पर भी हो तो बन सके तो थोड़ा उसमें धन से सहयोग, नहीं बन सके तन से भी सहयोग नहीं बन सके तो मन से सहयोग दो। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, उसको पकड़ कर पीछे नहीं कर, उसको अग्रण्यता दो, वो जितना बढ़ता जाएगा आपको उतनी खुशी होना चाहिए बढ़ रहा। शिव कथा कह रही है
भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती ने एक गलती कर दी कि वो धार्मिक आयोजन के उस यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दी, इसलिए शिव जी को क्रोध आ गया। लड़ना है आपको, पूरा घर पड़ा है, खूब लड़ो। क्रोध करना है आपको, पूरी दुनिया पड़ी है, खूब क्रोध करो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि इस पंडाल के अंदर, शिव महापुराण की कथा के अंदर, शंकर के शिवालय के अंदर, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, आपकी जगह पर कोई दूसरा भी बैठ गया है तो आप उधर से खसक कर बैठ जाओ, पर अपने मुंह से अपशब्द मत कहना, एक बार भी आड़ा टेढ़ा ना करो। ठीक है, आप बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठो। शिव है ना, आप में भी शंकर है, हम में भी शंकर है, शंकर कथा सुन रहा है, बैठो, विराज। थोड़ा तपन, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है और बहुत कुछ सिखा कर जाता है। एक कुमार ने बहुत सारे मटके बनाए, मटका बोलते हो, हंडा बोलते हो कि मटकी बोलते हो, क्या बोलते हो? मटका, मिट्टी का मटका, समझ जाओगे ना। एक कुम्हार ने मटके बनाए, बहुत सारे पानी के मटके बनाए और बहुत सारे पानी के हंडे, बहुत सारी गगरी पानी की गगरे हंडे बनाए। अग्नि में तपाया, जैसे ही अग्नि में तपाने के लिए मटकों को लेकर चला, उसमें से एक मटका छुप गया। क्यों छुपा? क्योंकि अग्नि की तपन उसको तपाएगी तो उसको कष्ट होगा, मुझे इतना कष्ट नहीं सहना, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकता, मैं इस अग्नि की तपन को, मैं इतनी ज्वाला को, इतनी आगी को मैं सह नहीं सकता, इसलिए वो मटका छुप गया। वो मटका छुप गया। अब सारे मटके अग्नि में तप रहे हैं और वो अकेला मटका छुप कर दुबक कर बैठ गया, मैं नहीं जलूंगा, ये जल जाएंगे। खूब हंस रहा है वो मटका, खूब हंसा। क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो जल रहे थे, वो तप रहे थे, वो काले हो रहे थे, उनका शरीर काला पड़ रहा था, उनमें आग लग रही थी, और जो छुप कर बैठा था वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था, वो प्रसन्न हो रहा था, वो हंस रहा है, वो प्रसन्न हो रहा। सारे मटके तप रहे, सारे मटके अग्नि में है, सारे मटके काले हो रहे हैं, तप रहे हैं, अग्नि में पड़े हुए, और एक मटका छुप कर बैठा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न हो रहा है कि मैं बच गया। ये मटके की जो कथा है ना, ये आपकी और हमारी भी कथा है। जब अपने स्कूल में दवाई पिलाने वाले आते थे और इंजेक्शन लगाने वाले आते थे, तो सबसे पहले अपन ही भग जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना। स्कूल में बच्चों को जब दवाई पिलाने आते हैं, इंजेक्शन लगाने आते हैं, और कभी कभी मेडिकल की टीम आती है, और सारे स्कूल के गेट बंद कर दिए जाते हैं चारों तरफ से। क्यों? स्कूल के गेट इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर को देखकर, सिस्टर को देख के सब भग जाएंगे, इंजेक्शन कोई नहीं लगवाएगा, दवाई कोई नहीं पिएगा। स्कूल के गेट बंद करे बड़े बड़े, सारी क्लासों में सूचना दे दी, आज मेडिकल कैंप लगा है, सबको दवाई लेना है, सबको इंजेक्शन लगवाना, टिटनेस का इंजेक्शन सबको लगेगा, लाइन लगाओ। सब लाइन लगाते और अपन पीछे से खसक जाते। एक मटका छुप गया और छुपकर वो मटका बैठ गया और हंस रहा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न हो रहा। और वो मटका इतना हंसा,
इतना प्रसन्न हुआ कि ये सब काले हो गए, ये सब जल गए, सब तप गए और मैं बच गया। समय आया, सारे मटके काले पड़ने के बाद में ठंडे हो गए, आग ठंडी हो गई, अग्नि ठंडी हो गई। और अग्नि जब ठंडी हुई, आग जब ठंडी हुई, अग्नि जब पूरी ठंडी हो गई, आग पूरी जब ठंडी हो गई, 2 घंटे निकले थे और तेज जलवृष्टि हो गई। इतना तेज पानी गिरा, इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतना तेज पानी गिरना प्रारंभ हुआ, जो छुपकर बैठा था वो पूरा गल के मट्टी में मिल गया, और जो अग्नि में तपे हुए थे वो पानी में भी अलमस्त होकर पड़े हुए, अलमस्त। ये कथा शिव महापुराण की यह हमको बताती है कि जब संसार में थोड़ा दुख आता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें तकलीफ आती है, हमें दुख आता है, हमें कष्ट आता है, हमारे जीवन में जब तकलीफें बढ़ती है, हमारे जीवन में जब कष्ट बढ़ता है, हमारे जीवन में जब दुख बढ़ता है, तो यह हमको तपाने के लिए आता है कि तुम अच्छे मजबूत हो जाओ। अभी जैसे विधायक जी ने कहा, माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, कि किसान को थोड़ी सी फसल नहीं आती या थोड़ा सा अनाज नहीं आता, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वो किसान अपने प्राणों को त्याग देता। क्यों, किस लिए? तप रहे हो, खूब तपो, छुप मत जाना उस मटके के जैसे। मटके के जैसे अगर छुप गए, जम के जलवृष्टि हो गई, जम के पानी आ गया, तो गल जाओगे। जो तप गया, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, तकलीफें आई, और जिसने उस तपन को झेल लिया, जिसने उस कष्ट को झेल लिया, फिर वो कभी टूट कर जमीन पर नहीं गिरा, वो जमीन की मिट्टी में नहीं मिला, वो मजबूत रहा है और उसमें पानी भी भरा। कोई ने गाली दी ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई ने अपशब्द कहा ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई आड़ा टेढ़ा बोला ना, आपको मजबूत कर रहा है। एक पत्र है, मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बननेरा में रहता हूँ। मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बननेरा में रहता हूँ। मेरा प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? दे, आप उत्तर देंगे क्या? कभी किस्मत भी बदलती है। मेरी जिंदगी पूर्णतः संघर्षों में गुजरी है, आज भी संघर्ष कर रहा हूं। कई बार इतना हार गया कि सब कुछ छोड़ने का मन करा, सब कुछ छोड़ने का मन करा, पर मोबाइल पर आपकी कथा सुनी तो कुछ इच्छा जागी, कुछ अच्छा लगा। बस आपसे प्रश्न है, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते? अरे जम के बोलते जाओ, बदलते। यहां तक पहुंचे तो गाड़ी बदले कि नहीं बदले? बदली ना। चप्पल टूट गई तो चप्पल बदली कि नहीं बदली? घड़ी का पट्टा टूट गया तो पट्टा बदला कि नहीं बदला? गले का हार टूट गया तो हार बदला कि नहीं बदला? बोलते जाओ जम के,
बदला, छत टूट गई चद्दर बेकार हो गई तो चद्दर बदली कि नहीं बदली, दुकान का फर्श बेकार हो गया तो फर्श बदला कि नहीं बदला। बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी में मैं अनिल जगताप आपसे पूछता हूँ कि आपके दोस्त बदले कि नहीं बदले? जो बचपन में दोस्त थे वो बदल कर दूसरे हो गए, दूसरे के बाद तीसरे हो गए, तीसरे के बाद चौथे हो गए। जब दोस्त बदल सकते हैं, छत बदल सकती है, चप्पल बदल सकती है, पहनावा बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, तो ये पक्का है तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। यदि कर्म अच्छा है तो किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? हां, यदि कर्म बुरा है तो फिर किस्मत नहीं बदल सकती। क्या नहीं बदल सकता? कर्म बुरा है, इसलिए कलकत्ता में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। क्या ये पाएगा? क्या किस्मत बदलती है? क्यों नहीं बदलती? दोस्त बदले, बचपन में दूसरे थे, जवानी में दूसरे आए, बुढ़ापे में दूसरे आए, कपड़ा बदला, परिवार बदला, जिन बच्चों को माँ ने दूध पिलाया वो बच्चे ही बदल गए, तो तू किस्मत बदलने की बात कर रहा है? क्यों नहीं बदले? औलाद बदल जाती है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? औलाद बदल जाए तो किस्मत ना बदले। बस कर्म पक्का रखना, विश्वास दृढ़ी रखना, जिसका भरोसा पक्का होता है वो कभी हारता नहीं है। दुनिया का, इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा कौन सा है, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। इस मृत्यु लोक का, संसार सागर का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? बेलपत्र का, पीपल का, आंवले का? इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष है विश्वास, जो दिल में होना चाहिए। इस विश्वास को लगाने के लिए जमीन नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए भूमि नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए मिट्टी नहीं चाहिए, इस विश्वास को दिल में प्रकट करना पड़ता है, इस विश्वास को दिल में बोना पड़ता है। और विश्वास पक्का होता है तो उसको महाकाल कहते हैं, यमराज को काल कहते हैं और महादेव को महाकाल कहते हैं। एक पत्र है, देखिए, तो गया भाई अर्जुन दाड़ंगे, रहवासी नांदूरा, रह नांदूरा, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं?
कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाएंगे। सो गया भाई, आप लोग एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं, हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप लोग टीवी पे पढ़ सकते हैं। सो गया भाई अर्जुन दाड़ंगे नांदूरा, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव क्या वर्णन करूं मैं, मेरा लड़का अमोल उम्र 33 साल, 5 बहनों का एक ही भाई, एक दिन 12 जून 2023 को रात को 12:30 पर अनमोल के पेट में जोर से दर्द हुआ। उसके 15 दिन तक यूरिन नहीं जा पाया। 15 दिन तक जब यूरिन नहीं गया तो इसको हम अकोला के केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, बोले किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं, दोनों खराब हो गए हैं। फिर उसके 17 दिन बाद डायलिसिस की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। 65 दिन 3 महीने से ज्यादा उसको वेंटिलेटर पर रखा। कितने महीने, जम के बोलो जरा, इसमें दिन लिखे हैं 65 दिन, आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, 65 दिन वेंटिलेटर पर रखा, 17 दिन लगातार डायलिसिस चलता रहा, हर 15-20 मिनट में डायलिसिस होता था। हम रोज हॉस्पिटल में बाबा से प्रार्थना करते, बाबा ये क्या हो गया। गुरुदेव हम बेलपत्री ले जाकर शिवजी की बेटे के सिराने रख देते पर उसकी हालत में सुधार नहीं आया, तबीयत और सीरियस हो गई। 22 जून को डॉक्टर ने 99% इसको मृत घोषित कर दिया। 22 जून को जब दोपहर में मृत घोषित करा तब 1 घंटे बाद पूर्ण रूप से इसको मृत घोषित कर दिया। जब मृत घोषित करा हमने डॉक्टर से निवेदन करा कि एक दिन और आप प्रयास करो, अगर इसमें सांस आ जाए, मेरा इकलौता लड़का, 5 बहनों का एक भाई है, एक ही इकलौता लड़का है, हमारे वंश में दूसरा कोई लड़का नहीं है, आप प्रयास करो ना डॉक्टर साहब, एक दिन और हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टर ने काम तुम्हारे कहने से एक दिन हॉस्पिटल में रख लेते हैं, आप कागज पे लिख दो कि हमने एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं क्योंकि ये मर चुका है। हम डॉक्टर से कहकर एक दिन हमने रखा, रिश्तेदार को हमने तुरंत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करने को बोला, सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, एक दिन मांगा था और सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, उसको पानी के लोटे में हम वहीं से शंकर जी के मंदिर कुबेरेश्वर धाम से गला के लाए और यहाँ आते से हमने उसको पानी की तैयारी करी। 5 बजे शाम को अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दूसरा दिन हो गया था, पत्र पढ़िएगा आप भी, दूसरे दिन रिश्तेदारों ने शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार की तैयारी करना प्रारंभ करी। दरवाजे पर बांस बांबू आ गए, सफेद कपड़ा आ गया, अर्थी तैयार हो गई, हॉस्पिटल से लेकर आने की तैयारी हो गई। बहू ने कहा एक बार वो सियोर वाला महाराज कहता है उसका रुद्राक्ष का पानी आ जान दो, 20 मिनट और रुक जाओ, 20 मिनट। वो रुद्राक्ष का जल बेलपत्र शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर लगाया और पत्नी ने अपनी जब जम के अपने पति को पुकारा, बेटे के हाथ पैर हिलना प्रारंभ हुए, शरीर में कंपन हुआ और फिर वापस जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से उतर गया, उसका शरीर काम करने लगा और उसकी लीवर और किडनी भी ठीक हो गई। हम फोटो भी लगा रहे हैं गुरुजी, जब वो प्राण छोड़ चुका था उसका भी फोटो लगा है, जिस समय उसको कपड़ा उड़ा दिया गया था और उसके बाद जब वो ठीक हो गया उसके भी फोटो लगाए गए। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभु। सो गया भाई अर्जुन दांगड़े
राह नांदूरा, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो तार तार। हमने कल भी कहा था सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है ना कहीं भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको स्वयं कंकर शंकर की धरा पर आना पड़ेगा। कंकर जिसे आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि हमने उस जगह पर देखा है कि जो कंकर शंकर की पूजन कर कर आता है और जो मांगता है वो मिलता है। उस भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, हाथ फैलाकर बाबा से मांगो। भले तुम संपदा के लिए मांग रहे हो, रोग मुक्ति के लिए मांग रहे हो, चाहे किस भाव से मांगो। हम जानते हैं अभी कुबेरेश्वर धाम पर व्यवस्थाएं नहीं है, आप लोगों के हिसाब से वीआईपी कमरे नहीं है, रूम नहीं है, टीन शेड लगा है, हॉल बना है, जहाँ मर्जी पड़े सो जाओ, विश्राम करो, गादी तकिया लो, सब निःशुल्क में प्राप्त करके सो, वापिस जमा करो, भोजन प्रसाद में खिचड़ी महाप्रसाद का आनंद पाओ, रात्रि है पूरी सब्जी जो भी बन जाए आराम से पाओ, भगवान का भजन करो निःशुल्क। कोई रुद्राक्ष सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, 100 रुपये दो ये लो, 500 रुपये दो ये लो, हम भेज देंगे सीहोर से बाहर। ना ना, हमारी समिति के द्वारा अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा ने जब हमको रुद्राक्ष अपने नेत्र के अश्रु से फ्री दिया है तो हम बेचने वाले होते कौन है, वो उसने दिया है उसके। आप दिल रखो विश्वास, दुनिया का वो कौन सा पौधा है, दुनिया का वो कौन सा वृक्ष है जो सबसे सुंदर है, वो विश्वास है। आपका विश्वास जितना दृढ़ी होता है, मेरा भोलेनाथ आपके सामने खड़ा मिलता है, आपकी दुख की घड़ी में आपके सामने। क्या किस्मत बदलती है, क्यों नहीं बदलती? जब सफेद कपड़ा उड़ा दिया जाए, सफेद कपड़ा जब उड़ा दिया जाए और पूर्ण तरह से व्यक्ति चला ही गया हो और उसके बाद भी शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार हो रहा हो और पूरे मैसेज डल गए हों और लोग आ गए हों, और उसके बाद भी अगर वो प्राण दे सकता है तो काल पर भी भारी महाकाल होता है। काल पर भी भारी महाकाल होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, अपने भीतर जो विश्वास को दृढ़ बना लेता है वो फिर भटकता नहीं। कहां भटका? आप विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो, ये विदर्भ की भूमि के विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भराज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भराज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 चल दिया चले। अब विदर्भराज
जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भराज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका, आज विदर्भराज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भराज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरुलपीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपये का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपये में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहाँ पहुँच जाते और 100 रुपए में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ अपने तो ये होटल दिखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भराज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यहां कौंडल्य मुनि का आश्रम। उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है, गाड़ी में चलते चलते बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी, इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना तीन चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई क्योंकि उसने जन्म देने वाला हुआ। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2-4-6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2-4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण, परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है, कितनी पत्रिका देखी, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे, ईमानदारी से बता, तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना बोलो री जी जी हो, ए उधर वाली सही है कि गलत है, सही है ना, कितने ढूंढे,
किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का सम्मान पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख भेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो के फूल चाहिए, दो घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आफत है इन लोगों से बचा। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी, ग्वालियर में चलते थे घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी की यहाँ कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आपके यहाँ मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनने तो कह दिया अब इस समय तो गाड़ियाँ चलती तो वो गाड़ी लगा देंगे। उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा दें। हमने कहा गाड़ी रहने दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना ये अमरावती में, अभी कथा चालू हुई उसके एक दिन पहले हम जब यहाँ पहुँचे, तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। अब हमारी तो जान दुख दुख हुआ है, अब हमारी जान दुख दुख हुआ, क्योंकि वो कहते ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी, उनका एक नौकर था उसको मालूम था वो मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा इधर हम बैठे, गाड़ा तांगा चलाने वाला चलाता, पीछे सारे लड़के आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे भर गए, और घोड़ा वाला चलाते जाए चलाते जाए। और जो साथ में बैठा था वो उनका जाखेटिया जी का सेवादार मेडिकल संभालने वाला, ओके ना तांगा इधर मोड़ दे, ओके भोजन इधर 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 मोड़ दे। अब यहाँ तांगा और वो झंडा लगाए ना बीच में, वहाँ खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको, हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो तो कह नहीं ला, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा, ये इधर हम उधर। मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी यूट्यूब पे डली होगी जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा वाच रहे थे। तीसरे दिन की कथा थी। अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या। हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डा, ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया यहाँ से वो पहुंचा मांडा निकल। जाखेटिया जी बोले गलती हो गई गुरु जी, ने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। अभी हमारे विधायक जी ने हमको वो घोड़ा गाड़ी पे बिठाया, हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम पूछ के आओ। और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम ये है। हमने कहा पूरा बोल रहा है, पूरा बोल रहा है, हमने चला अब भरा उसको। अरे भाई शिव शिव, जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है, आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना।
अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो मां अपना माथा कभी मत झुका, अपना सिर को सिर बना कर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहां पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के, अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहाँ की नहीं देती, हमारे सीओर की तो कभी नहीं देगी, भूतों में भविष्य। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है, इसलिए निवेदन है किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डला हुआ देखा, भगवान ने भी सोचा लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चढ़ा ले, अब आ तू लगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, यहाँ का एक एक बच्चा राम है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं, कोई कितना ही कहे हमें नहीं जाना। पति कितने होते हैं? अरे बोलो तो तुम बोलो जरा जम के, पति एक है तो परमात्मा भी एक है, देवाधि देव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव एक है। कहां भटकना हमको, कहां जाए, किस जगह पर? शिव कथा कह रही है, विदर्भ राज कौंडल्य मुनि के आश्रम में बिना अनायास बिना सोचे पहली बार पड़ाव रुका और वहीं पर पहुंच गए, वहीं पर सीधे कौंडल्य मुनि के आश्रम में, एकदम ध्यान चले जाए शिव जी पे, समझ लो किस्मत सवर गए। अचानक तुम्हारे घर के लोग कह दे कहां जा रही हो, तुमने पूछा क्यों कहां जा रहे हो, अरे अमरावती में कथा चल रही है। अच्छा सवेरे गाड़ी जाएगी 4 बजे हम निकलेंगे, तू चल रही? जरूर चल। जल्दी से जाके 2-4 रोटी बनाई, पराठा मराठा सेक के कपड़े में बांध के गाड़ी में बैठ गई। आते आते 4 में से 2 निपटा गए, आगे वाली पूछ रही थी क्या हो गया,
रखा हुआ, ठंड है, दांत कटकटा, दांत कटकटा रहा है कि वो जो पूड़ी बना के लाई है वो कटकटा रही, दांत कटकटा रहा। अब मन करा पहुंच गई, क्योंकि दिल में वो शिव था, विदर्भराज के दिल में विश्वनाथ बसे हुए थे, विश्वनाथ। जाते जाते बीच में कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुक गए, कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुके, आज तक नहीं गए थे, पहली बार आज तक नहीं गए। और कौंडल्य मुनि के आश्रम में जैसे ही प्रणाम करा, कौंडल्य मुनि तो तप साधना में लीन थे, नेत्र बंद थे। विदर्भराज ने देखा कि पहली बार इस आश्रम में आया हूं, बड़ा सुंदर है, बैठ गए। पूछा, मुनि जी आश्रम वाले नेत्र कब खोलेंगे, इनका दर्शन कब होगा? कहा, पता नहीं कब नेत्र खोलें। राजा कौंडल्य ने, कौंडल्य मुनि के आश्रम में राजा विदर्भराज ने सोच लिया, अब जब तक मुनि नेत्र खोलकर मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा भी, तब तक नहीं जाऊंगा। संकल्प जब हमारा पक्का होता है तो परमात्मा उसको पूर्ण करता है। एक पत्र है, देखिए। पहले देख लो, पूरी रिपोर्ट लगाई है, पूरी फाइल लगाई है, आप लोग टीवी के माध्यम से, एक्सरे भी लगाया गया है और साथ में पूरी मेडिकल की रिपोर्टें लगाई गई हैं। आप सारी रिपोर्ट एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं, सारी रिपोर्टें मेडिकल की लगाई गई। अब पत्र है, मैं पुसत शहर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम सूरज नेवल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सूरज नेवल है, मैं पुसत शहर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा, इधर है क्या? हाँ, हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है, दिख गए। बच्चे को लाए हो के साथ में? लिया उसको ऊपर लिया। मैं पुसत शहर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम सूरज नेवल है, मेरा मोबाइल नंबर यह है। स्वामी जी, पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ? मेरी बीबी को सातवां महीना चल रहा था, डॉक्टर पर सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। फिर हमारा मन नहीं माना, हम इसको नांदेड़ ले गए, नांदेड़ के डॉक्टरों से रिपोर्ट दिखाई, नांदेड़ के डॉक्टरों ने वापस सोनोग्राफी करी, सोनोग्राफी देखकर नांदेड़ के डॉक्टरों ने कहा कि इसकी यह किडनी नहीं है और इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, यह बच्ची विकलांग है, इस बच्चे को आप चाहो तो रखो, नहीं तो सातवां महीना चल रहा है, ये बच्चा किसी काम का नहीं, ये कभी जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, इसके किडनी नहीं है, इसको भोजन नहीं पचेगा, इसकी यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी, उसका शरीर कुछ ही समय का रहेगा। तब मेरी माता ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरी धर्मपत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करी, उसका आचमन नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, सातवें महीने में डॉक्टर ने कह दिया था इसकी किडनी नहीं है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, बच्चा विकलांग है, मानसिक बुद्धि से भी बेकार रहेगा, हमने उस बच्चे को रखा और शंकर के भरोसे छोड़ दिया। मेरी माता ने पशुपति व्रत करे, मेरी पत्नी ने शिवजी को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाली
तो बाबा की ऐसी कृपा थी, उसकी दोनों किडनियां थी और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं उसको लेकर कथा में आया हूँ। डॉक्टर ने जो जो रिपोर्ट लगाई बताई थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, किडनी नहीं, वो सारी रिपोर्टें आपको लगाई गई है गुरुदेव, जिसमें किडनी नहीं है। सारी रिपोर्ट नांदेड़ की भी और हमारे यहाँ की भी लगाई गई, जिसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है। आप उस एक्सरे में देख सकते हैं और आप उस सोनोग्राफी में देख सकते हैं। बाकी के जब जन्म के बाद वापस उसके एक्सरे हुए, जन्म के बाद उसका जो चार्ट देखा गया, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी और उसकी दोनों किडनियाँ भी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ, उसका फोटो भी लगाया है। बचाया लिया शंभू। अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला काशीवाले। शिव कथा कहती है आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, एक पौधा एक वृक्ष ऐसा है वो विश्वास का, वो भरोसे का। अपना भरोसा कभी मत छोड़, अपना भरोसा कभी छूटना नहीं चाहिए, विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए। महाराज यमराज को यदि काल कहते हैं तो मेरे महादेव को महा काल कहते हैं। जो कोई नहीं कर सकता, जरा विचार करो, जिसका 5 बजे अंतिम संस्कार होने वाला हो उसके शरीर में प्राण आ सकते हैं? जरा विचार करिए। उसने पूरा एड्रेस लगाया है, ये भाई ने पूरी जांचें लगाई, ऐसी कोई जांच नहीं जिसमें उसने लगाया ना हो, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि इसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार है। पूरी जांचें लगाई उसने, एक एक जांच रिपोर्टें लगाई, एक्सरे लगाए, जो कोई ना कर पाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर देता, कोई ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप कथा में जरूर आए हो पर मेरा भरोसा, ये विश्वास करता है, शिव पुराण की कथा का विश्वास करता है। आपने 5 दिन की कथा सुनी, कोई ने 2 दिन की सुनी, कोई ने 3 दिन की सुनी, कोई 1 दिन की सुना, कोई ये विराम दिन की सुना, ये भरोसा करता है। आप उसके दरवाजे तक आए हो ना, वो 3 महीने में आपको क्या क्या दे देगा, कोई भरोसा नहीं उसका, क्या देगा वो वही जाए, कितना देगा उसके ऊपर निर्भर करता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हो नन्हे बाले पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो।
आप उससे कहेंगे, वो सुनता, दिल से बोलेंगे वो श्रवण करता है। आयो, हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहां बैठे, कितना लंबा चले, कैसे पहुंचे, क्या तुम लोगों ने यहां पहुंचकर भजन करा, कीर्तन करा, पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहां की जब रज उड़ती है, वहां की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है। कितने ही रोग, कितने ही दुख, कितनी तकलीफ वो काट। भक्ति के बल, विश्वास का बल, राजा विदर्भराज कौंडल्य मुनि के पास पहुंचे, बैठ गए, नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक जाऊंगा नहीं, थोड़ा जिद है, जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी होना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज, कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद, नेत्र बंद कौंडल्य मुनि के, नेत्र खुले नहीं। एक दिन निकल गया, विदर्भराज का नियम था, विदर्भ की धरा से जाते थे काशी दर्शन करने के लिए, तो बीच में अन्न नहीं पाते थे, ना पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे। जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल ना चढ़ा देते, तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते। कल हम माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि हमने कहा जी जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में दो को जेल में डाला गया, एक तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका। एक तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने, तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा बाबा मेरा पति, मेरा पति, बाबा मेरा पति, बस उसने कहा मेरा पति, तुलसी बाबा के मुख से निकल गया क्या चिंता करना अखंड सौभाग्यवती बाओ। वो कह रही है मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया अखंड शोभा। तुलसीदास जी कहे ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी, तुलसीदास जी को देखा, नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सुबेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था, और ये इसका पति तो मर गए, मर गए। तुलसीदास जी ने आरती ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम कहलवा लूं, मैं राम कहलवा लूं। नीचे आरती रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ चार घंटा हो गया और ये कह के राम कहलवा लूं। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा राम राम राम। लोग हंसकर बोले क्या है ये राम,
कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं या फिर ये उठ के दे सकता है। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया राम नाम के बल पर, मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बता। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते। हमने केवल भजन किया, उसका फल था। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले आओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया, हनुमान जी। और श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरन रघुबर विमल जस जो रायत फल जा। उन्होंने लिखना प्रारंभ करा, जो लिखा चौपाई पर चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश दीपक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंग, सुमति निवार सुमति के संग, अंचन भरण विराज सुकेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। जैसे जैसे तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर 2 बांदर आकर बैठ गए। 2 बांदर भगा दो, सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो, 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा, अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बन कर। तब तुलसीदास, पवन तनय संकट हरण मंगल मोर गिरो, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भू। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा, मैं जानता हूं। 1 बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं, तूने जो दीवाल पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं, इतने बंदर। तुलसीदास जी कहते हैं, ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान मेरे राम ने भेजे हैं, ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता। हनुमान चालीसा, हम कल कह रहे थे ये दीदीबाई को, सांसद महोदय को, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि एक वो तुलसीदास जी को पटका था और एक आपको। हनुमान चालीसा के लिए जिंदगी में शायद पहला कोई व्यक्ति हो जो जेल में गया हो, एक हनुमान जी उनके लिए आए थे और एक आपके लिए आए, और बाबा ने जो कृपा करी वो सारी दुनिया उसकी साथ उतारा, बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है, भगवान के नाम का एक सुख है, भगवान के भजन का एक सुख है। राजा विदर्भराज बैठ गए, जब तक नेत्र नहीं खुलते तब तक मैं नहीं जाता, नहीं जाऊंगा मैं। कौंडल्य मुनि नेत्र बंद कर बैठे थे। 1 दिन बीत गया, राजा विदर्भराज का नियम था, विदर्भ से जाते थे काशी में, जाकर ही जल पीते थे, गंगा जल जब शिव जी को चढ़ाते थे तो उसी का आचमन करते थे बस, फिर भोजन करते थे, जब तक का अन्न पानी सब त्याग। अन्न पानी का त्याग कर देते। आप में से कई कई माताएं ऐसी हैं जो
पूरे 3 घंटे की कथा को खड़े होकर सुनती हैं। कोई कोई माता ऐसी हैं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं, कोई कोई भाई ऐसा कुछ नहीं खाता। कथा पूरी हो जाएगी तब भंडारे में जाएगा, तब भोजन करेगा। तब तक सुबह से लेकर कथा तक बैठा है, भोजन नहीं करा, पानी जरूर पिया, चाय पी ली, जो करना है वो करा, पर नाश्ता फास्ता थोड़ा बहुत करे सो तो करा, जो पाया वो पा लिया फल फ्रूट, पर ना अब मैं कथा सुन लूँ फिर पाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा बैग, ओढ़ने का कम्बल, बिछाने की चादर, दवाई गोली जो तुम्हें लगता है सब साथ में लेकर अपने, जैसे ही कथा पूरी हुई लोगों ने अपना अपना विचार बिछाया। हम अमरावती के लोगों से कहेंगे, भाग्यशाली हो जो तुम्हारे नगर में ये कथा हो रही है, दिन में समय नहीं मिले तो रात में आकर इनका दर्शन करो, और दर्शन जरूर करो, ये मौका दूसरी बार नहीं मिलता, ये नहीं मिल सकता। जब रात्रि को लोग भजन करते हैं, आसपास की टोलियां, कोई ढोल, कोई मंजीरा, कोई नगाड़े, कोई डीजे, कोई बैंड बाजा ले लेकर आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, ये दर्शन फिर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग तो अपने साथ में बिछाने का और ओढ़ने का लेकर आते हैं, उनको मालूम है रोज 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, वापस घर कौन जाएगा, अपन तो 4-5 दिन यहीं बिछाया, आया शिव नाम गाया, कहाँ जाना। अमरावती के भी कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं रह रहे होंगे, कितने हैं जरा हाथ उठाओ तो, जो अमरावती के लोग यहीं रह रहे, अरे बहुत सारे हो रहे, तुम लोग धर लो वापिस। हमें मालूम है अमरावती के भी कई लोग होंगे, उन्होंने सोच लिया कौन बार बार जाएगा, अपन तो यहीं हंस, ये कुंभ का मेला, शिव कुंभ कहाँ मिलने वाला, ये भगवान शंकर की कथा कहाँ बार बार होगी, अमरावती में हो गई, ये तो माननीय सांसद जी और विधायक जी को साधु बांटता है जो उन्होंने करवा कर भगवान शिव की जबीरल भक्ति को क्षेत्रवासियों को दिया, हो गई, ये शिव कृपा है। आप लोगों का जो इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ फल है तो आप लोगों का, आप लोगों ने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया उसी का पुण्य मिला कि ये कथा मिली। विदर्भ राज बैठ गए, जब तक मुनि नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं पाऊंगा, पाते तो थे ही नहीं, बैठ गए समाधि में लीन कौंडल्य मुनि, समाधि में लीन थे। 3 दिन बाद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले, राजन तुम विदर्भ राज हो, हाँ, विदर्भ नरेश हो, हाँ, राजन कहां जा रहे हो, काशी, राजन मैंने सुना है तू प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी आता है और तब तक तू कुछ नहीं खाता है, ना पानी पीता है। मेरा मन है राजन तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कौंडल्य मुनि ने कहा निवेदन, राजा विदर्भराज ने कहा निवेदन नहीं, संत साधु ब्राह्मण गुरु निवेदन ना करें, आज्ञा करें। संत निवेदन ना करे आज्ञा करे, साधु निवेदन ना करे आज्ञा करे, गुरु निवेदन ना करे आज्ञा करे, आज्ञा क्या है बोलिए। कौंडल्य मुनि कहते हैं मेरा मन है तुम काशी आते हो अपने विदर्भ की धरा पर शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं कर लेते। विदर्भ राज ने जो कहा वो पूरे विदर्भ का गौरव होना चाहिए। विदर्भ राज कहते हैं मैं विदर्भ में शिवलिंग की स्थापना तो कर लूं, मना नहीं है, पर शर्त केवल एक ही है, ये बात आप कह रहे हो, ये बात काशी के विश्वनाथ कहें तो स्थापना करो, ये आप कह रहे हो, ये बात मैं काशी आता हूं दर्शन करने के लिए और काशी विश्वनाथ खुद कहे कि तू बता, तुम्हारा रुक, तो विदर्भ रुक,
और वहीं पर दर्शन कर, वहीं पर प्रार्थना कर, क्यों परेशान होता है? ये खुद काशी विश्वनाथ का है, तो मैं मानू ठीक है। राजा गए प्रणाम करकर, नमन करकर विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, गंगा जी का जल भरा, गंगा जी का जल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया विश्वनाथ को। जैसे ही जल का पात्र लेकर बाहर निकले गंगा जी के घाट पर, विदर्भराज गंगा की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे और समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि का दिन रात्रि के समय चार पहर की पूजन विदर्भराज ने कर दी। कितनी पूजन करी? चार पहर। सावन की शिवरात्रि पर जब अपन सब लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं, करते हो आप लोग? ये तो बोलो जरा, करते हो? जब अपन सावन की शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर ऑनलाइन पूजन करते हैं, कई लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं, रात्रि को शिवलिंग का विसर्जन कर दिया, रात्रि को ये कर दिया, शिवलिंग की पूजन रात्रि को कर ली, कोई कहेगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पर मैं पूरे भारत की भूमि से नहीं, पूरे विदेश में बैठे हुए देश और विदेश के भक्तों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जब से सावन की शिवरात्रि के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है, उस दिन से मिला लो, आज का दिन मिला लो, तुम्हारे घर उन्नति की ओर बढ़ा है, नीचे नहीं गया है, ऊपर की ओर बढ़े हो, नीचे की नहीं आए हो, ऊपर की ओर बढ़ रहे। सावन के महीने की जब शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया जाता है, जब आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे, धीरे धीरे चढ़ रहे, उसका फल आपको मिलता जरूर। महाराज शिवरात्रि का दिन था, चार पहर की पूजन कर रहे थे राजा विदर्भराज। चार पहर की पूजन में विदर्भराज गंगा के घाट पर बैठे हुए बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे। इतनी देर में भगवान विश्वनाथ गंगा के घाट पर राजा विदर्भ के लिए प्रकट हो गए। राजा विदर्भ से कहा, विदर्भराज सुनो, कौंडल्य मुनि ने जो तुमसे कहा तुम उसकी बात को स्वीकार करिए। विदर्भराज ने बोला, प्रभु आप कह रहे हो? हां, यह शब्द आपको कहना था, कौंडल्य मुनि बोल रहा है। भगवान शिव कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कौंडल्य मुनि से कह दिया था, कौंडल्य मुनि ने ही मेरे मन के भाव आपके सामने कहे। जब कोई शंकर का भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला कोई शब्द, कोई बात आपके बीच में कहता है ना, तो वो उस व्यक्ति के शब्द नहीं होते, स्वयं देवदिदम महादेव अपने शब्दों में किलवाए होते, स्वयं देवदिदम महादेव उसके शब्दों में किलवाए। कोई दूसरा नहीं कह सकता, मेरा मन है आप जाओ और कौंडल्य मुनि ने जो कहा है वो करो, आपको वहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। कौंडल्य मुनि के कहे अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पाकर विदर्भराज चले। बीच में वापिस कौंडल्य मुनि के पास में पहुंचकर प्रणाम करा, मुनिवर मैं शंकर की स्थापना करूं, प्राण प्रतिष्ठा करूं, शिवलिंग को विराजमान करूं, पर शर्त एक ही है कि आपको आकर विराजमान करना पड़ेगा। कौंडल्य मुनि ने कहा, मैं तो नहीं आ सकता, तो मैं शिवलिंग को रखूंगा कहां? कौंडल्य मुनि ने अपना कमंडल दे दिया, इस कमंडल को तुम जहां रख दोगे वहां पर, ये कमंडल जहां रुक जाए और जहां पर तुम रख दोगे वहीं पर शिवलिंग की स्थापना राजा तुम कर देना। कौंडल्य मुनि के कमंडल को लेकर विदर्भराज उस कमंडल को लेकर इस विदर्भ की भूमि पर आ गए। घूमते घूमते जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे,
और प्रवेश करते ही बस कुछ ही दूर में अंदर प्रवेश करे थे, कमंडल में वजन बढ़ने लगा। वजन बढ़ते बढ़ते वो पानी का कमंडल और वजनी हो गया। राजा विदर्भराज से वो कमंडल उठ नहीं पाया, उन्होंने एक भूमि पर रख दिया। कौंडल्य मुनि ने कहा था जहां कमंडल रखाएगा वहीं पर आप शिवलिंग की स्थापना करना। विदर्भ राज ने पूरे विदर्भ में सूचना कर दी, जहां कमंडल रखा है वहीं पर आप शिव के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करो। और उसी जगह पर जैसे ही राजा विदर्भ राज शिवलिंग का निर्माण करवाने लगे, इतनी देर में तो स्वयं विश्वनाथ उस स्थान पर आकर प्रकट हो गए। उसी का नाम कौंडेश्वर महादेव हो गया। वही कौंडेश्वर महादेव हो गया वो स्थान, वो जगह, और अमरावती के नजदीक में है वो स्थान। शायद अमरावती से स्कंद पुराण में तो शायद 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी उसमें वर्णन की है, 10-1 किलोमीटर। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग गए दर्शन करने के लिए? हैं, सब लोग गए? बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना। बोल कौंडेश्वर महादेव की जय। स्वयं विदर्भराज के लिए कौंडल्य मुनि ने कमंडल दिया, वो कमंडल वहां रखा के रखा। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव महापुराण। साधारण नहीं, रे रे ना। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में संभो एक बार आजा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में, की शरण में आजा। ओ बार आजा, आजा भोले की शरण में, एक बार आजा, आजा भोले की शरण में। Thank you.
चंद्र मौली चंद्र शेखर बोले त्रिपुरारी है। चंद्र मौली चंद्र शेखर बोले त्रिपुरारी है। ओ चंद्र मौली चंद्र शेखर बोले त्रिपुरारी है। चंद्र मौली चंद्र शेखर बोले त्रिपुरारी है। गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण। ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण, भोले की शरण में आजा। ओ भोले की शरण में आजा, शंभो की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते ध्यान धरने में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार।